Dear students of class 10th English literature, today in this lecture 5 Hindi version lecture, students, our topic is The Fountain, that is composed by J.R. Lowell. स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे द फाउंटेन पोएम के अंदर आए हुए कुछ स्पेसिफिक वर्ड फ्रेजेस और लाइंस की. स्टूडेंट्स, इन लाइंस का, इन वर्ड्स का क्या सिग्निफिकेंस है इस पोएम में, वो आप जानेंगे. जो कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर आपको इनके सेंस के आधार पर आंसर देना होता है. इससे पहले कि हम इन फ्रेजेस, लाइंस एंड वर्ड्स की स्टडी करें, हम आपको बता दें कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th में पोएट्री में कितनी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्टूडेंट्स, कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं. उनमें से दो आपको एग्जाम में आते हैं. एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस पोएम को किसने लिखा, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, और हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम. नाउ सेकेंड क्वेश्चन मे बी फ्रॉम विच पोएम दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन. तो आपको टाइटल देना होता है कि पोएम का नाम क्या है. दूसरे, आपसे राइमिंग वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, विच वर्ड्स राइम इन दिस स्टैंजा. तो आप बताते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स मैच खाते हैं. आपने पिछले काफ़ी प्रैक्टिस की है स्टैंजाज और एक्सट्रैक्ट्स को सॉल्व करने में कि कौन कौन से जो आपके वर्ड्स हैं वो आपस में राइम करते हैं. जैसे बेस्ट और रेस्ट आपस में राइम करते हैं, इस तरह से आप वर्ड्स को, राइमिंग वर्ड्स के जो पेयर है उसको चुन करके आंसर में लिखते हैं. इसके बाद स्टूडेंट, तीसरी तरह का क्वेश्चन ये पूछा जाता है जिसका आंसर आसानी से आपको स्टैंजा में मिल जाता है. जैसे कि आपसे पूछा जाए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फाउंटेन व्हेन द मून शाइन्स. जब चंद्रमा चमकता है तो चंद्रमा की रोशनी में फव्वारे का रंग कैसा होता है. स्टूडेंट्स, तो चंद्रमा की रोशनी में द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो. तो ये आपको सीधा सीधा लिखा हुआ मिल जाता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह का होता है जिसके अंदर आपको, जिसका क्वेश्चन इस तरह का होता है जिसका आंसर आपको बिल्कुल भी स्टैंजा में कहीं रिटन फॉर्म में नहीं मिलता. आपको अपनी इंटेलेक्चुअल पावर लगानी पड़ती है, आपको अपनी समझ लगा करके जो कुछ आपने सीखा वो लिखना होता है. आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टैंजा. तो अब क्या मॉरल है, जो शिक्षा वह स्टैंजा दे रहा है वो आपको लिखना है. उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए फाउंटेन का कोई स्टैंजा आया और उसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि हमें सुख और दुख, जैसे कि बहुत सारी जगह पर आप यहाँ पर फ्रेजेस लिखे हैं, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है. आपसे पूछा गया तो आप लिखेंगे, इस स्टैंजा में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर सिचुएशन में लगन के साथ और पूरी एक्टिविटी के साथ कार्य करते रहना चाहिए. तो इस तरह से आपको वह शिक्षा, जो कि पैराग्राफ वाइज अलग अलग हो सकती है, जांच कर लिखना होता है. इसके बाद स्टूडेंट्स, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस वर्ड का क्या अर्थ है. लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 बोल देते हैं का क्या अर्थ है. ये आपको लाइन लिखकर दी जा सकती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीपिंग एंड फ्लैशिंग गिवन इन द पोएम. और ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डज दिस लाइन रेफर टू. तो ये आंसर्स आपको देने होते हैं. अब हम आज स्टडी करेंगे कि इस पोएम के अंदर आए हुए वे स्पेसिफिक लाइंस और वर्ड्स कौन कौन से हैं और उनके क्या अर्थ हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज़ एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. प्लीज़ टू कंटिन्यू योर सिलेबस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं इंटू. आपसे पूछा जाता है कि इंटू का क्या सिग्निफिकेंस है पोएम के अंदर. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जो इनटू का सिग्निफिकेंस है पोएम के अंदर, इनटू इसलिए यूज़ किया गया है, जैसे कि आप जानते हैं प्रीपोजिशन, जब आप इनटू यूज़ करते हैं तो इनटू जब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ स्पीड के अंदर मोशन के साथ अंदर की तरफ आती है. तो यहाँ पर इनटू का मतलब जो सेंस है वो स्पीड से है. तो हम लिखेंगे, इनटू शोज़ एक्टिविटी और स्पीड, इनटू शोज़ एफर्ट्स ऑफ द फाउंटेन. स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है लीपिंग एंड फ्लैशिंग. लीपिंग का मतलब होता है कूदना और फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना. तो कूदता हुआ और चमकता हुआ, जैसे कि आपने सनशाइन के दौरान इसको अपनी पोएम में पढ़ा, तो आप इसका मीनिंग लिखेंगे, फुल ऑफ एक्टिविटी एंड शाइन. अगर आप स्टूडेंट्स इसका मीनिंग इस तरह से लिखते हैं कि अगर आप डायरेक्ट मीनिंग लिखते हैं तो आप अपने आंसर में लिखते हैं आंसर और फिर मार्क लगाते हैं, उसके बाद फिर आप लिखते हैं लीपिंग एंड फ्लैशिंग, फिर सिंगुलर कॉमा क्लोज, सिंगुलर कॉमा बिगिन और फिर सिंगुलर कॉमा क्लोज, फिर आप लिखते हैं मीन्स और मीन्स लिखने के बाद फिर सिंगुलर कॉमा क्लोज, फुल ऑफ एक्टिविटी एंड शाइन.
कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप, इस तरह से आप अपना आंसर पूरा करते हैं। लीपिंग का मतलब हालांकि कूदना है, लेकिन कूदना हो, चलना हो, बढ़ना हो, वो मेन बात है कि एक्टिविटी, कि फाउंटेन एक्टिविटी में है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग का मतलब होता है झूमना, हिलना, इधर उधर डोलना, सो फ्लावर लाइक जैसे फूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको लिखना है वेविंग इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पर जैसे कि अभी हमारे सामने यहाँ पर जो कॉमा है लगा हुआ नहीं है, आप इसे लगा लीजिए। यहाँ पर आपने कॉमा लगाकर बंद किया, इसे ऊपर वाले को भी आप बंद कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे वेविंग सो फ्लावर लाइक, तो हिलते हुए जैसे कोई फूल हिल रहा हो। तो अगर आपको इसका अर्थ लिखना है तो, और आपको अर्थ लिखने में सब्जेक्ट दे रखा है, तो आप दैट लगा लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। आप बिगिनिंग में लिखेंगे द एक्सप्रेशन, फिर लिखेंगे वेविंग सो फ्लावर लाइक कॉमा क्लोज मीन्स दैट। अगर आप मीन के अंदर सब्जेक्ट लगाकर, वर्ब लगाकर अपना सेंटेंस पूरा कर रहे हैं, तो फिर आप दैट लगाएंगे। तो आप लिखेंगे द एक्सप्रेशन वेविंग सो फ्लावर लाइक कॉमा क्लोज मीन्स दैट द फाउंटेन मूव्स लाइक अ फ्लावर फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स अगर आप दैट नहीं लिखते तो फिर आप लिखेंगे वेविंग सो फ्लावर लाइक मीन्स इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन कॉमा बिगिन द फाउंटेन मूव्स लाइक अ फ्लावर कॉमा क्लोज। तो इन दोनों में से कोई सा एक रास्ता आपको एक्सप्रेशन लिखने में चुनना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका सब्जेक्ट दिया गया है तो आप दैट लिखिए, फिर अगले वाले पार्ट के अंदर जो है कॉमा मत लगाइए। इसके बाद अगर आपसे सिंगल वर्ड पूछा जाता है सो, तो सो के अंदर क्या करना है आपको कि आप लिखेंगे द वर्ड सो मीन्स कॉमा बिगिन सिमिलैरिटी, या कोई भी एक चुन लीजिए, लुक लाइक कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। तो इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं आया, इसके अंदर कोई वर्ब नहीं आई, और तो इसके अंदर आप सीधा सा कॉमा लगाकर आंसर बना देंगे। तो आप लिखेंगे द वर्ड सो मीन्स इन्वर्टेड कॉमा बिगिन सिमिलैरिटी कॉमा क्लोज फुल स्टॉप, या उसकी जगह आप लुक लाइक भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है वाइटर देन स्नो। वाइटर देन स्नो का मतलब है वाइट, वाइटर वाइटेस्ट, यानी से सफ़ेद, यानी देन से सफ़ेद स्नो, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद। तो इसको आप खोल कर बताएंगे कि कब कौन बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद। तो आप लिखेंगे द एक्सप्रेशन वाइटर देन स्नो मीन्स इन द मून लाइट द वाइटनेस ऑफ द फाउंटेन बिकम्स ब्राइटर, कि चंद्रमा की रोशनी में जो फाउंटेन की जो चमक है वो और ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है। दैट आने की वजह से आपको इसमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, स्टूडेंट्स यहाँ पर मिडनाइट आएगा, लंबी एक्सप्रेशन थी इसलिए हमने उसको शॉर्ट में करके लास्ट वर्ड्स लिख दिए, जहाँ पर नाइट का मतलब एडवर्स सर्कमस्टांसिस, विरोधी समय है, विरोधी सिचुएशन है, और यह विपत्ति का मुश्किल समय है, और हैप्पी बाय डे और ये जो है अच्छा पॉजिटिव फेयर टाइम है बाय डे। तो इन दोनों का, नाइट का मतलब दुखों से और डे का मतलब सुखों से है, तो इसका मतलब है कि द फाउंटेन इज हैप्पी इन बोथ द प्रॉब्लम्स एंड द हैप्पीनेस, कि फाउंटेन सुखों चाहे दुखों हमेशा हैप्पी रहता है। नेवर अ वियरी, कभी नहीं थकता, इट मीन्स आप सीधा से लिख सकते हैं द फाउंटेन नेवर गेट्स टायर्ड, फवारा कभी थकता नहीं है, या इसका मीनिंग ये लिख सकते हैं द फाउंटेन नेवर टेक्स रेस्ट, फाउंटेन कभी आराम नहीं करता है। इसके बाद स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, स्टिल मीन्स विपरीत सिचुएशन में, क्लाइंबिंग का मतलब है स्टूडेंट, क्लाइंबिंग का मतलब है कि चढ़ते हुए, हेवन वार्ड ऊपर की ओर, तो इसका मतलब कि वो बार बार नीचे गिरता है, सफलता उसे नहीं मिलती, तो इसलिए स्टिल लगा हुआ है। तो इसलिए हमने वर्ड इवन यहाँ यूज़ किया है, इवन इन एडवर्स सिचुएशन, यानी विरोधी और विपरीत परिस्थितियों में भी फाउंटेन नहीं छोड़ता अपने एफर्ट्स को ऊपर जाने से, अर्थात फाउंटेन हमेशा ऊपर जाने की चेष्टा लगातार बरकरार रखता है। मोशन दाय रेस्ट, मोशन ही तुम्हारा आराम है, मोशन गति ही तुम्हारा आराम है, कार्य करते रहना ही तुम्हारा आराम है, ये इसकी हिंदी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखते हैं फाउंटेन कभी भी क्विट नहीं करता अपने काम को, अर्थात फाउंटेन अपने काम को कभी नहीं छोड़ता क्योंकि कार्य करते रहना ही तुम्हारा आराम है। और ऐसे भी लिख सकते हैं
इट कंटिन्यूज टू वर्क, ये हमेशा काम जारी रखता है, क्योंकि यहाँ लिखा था मोशन ही तुम्हारा आराम है, दाय मीन्स योर। नथिंग कैन टेम, टेम माने कंट्रोल करना, तुम्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इट मीन्स द फाउंटेन इज अनकंट्रोलेबल या द फाउंटेन इज फुल ऑफ एनर्जी। डेफिनेटली जब फाउंटेन जो है फुल ऑफ एनर्जी है, तो फुल ऑफ एनर्जी होने की वजह से फाउंटेन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसके बाद आया है चेंजेस एवर द सेम, चेंजेस एवरी मोमेंट येट रिमेन्स एवर द सेम, तो ये पूरी लाइन थी। तो हमने यहाँ लिखा द फाउंटेन्स अपियरेंस इज चेंजफुल, चूँकि आप जानते हैं कि जो फाउंटेन की अपियरेंस है, जो फाउंटेन का दिखावा है, जो उसका लुक है, वो हमेशा कैसा होता है, नीचे से पतला होता है, ऊपर जाकर फैलता जाता है, फिर एक फूल की तरह से खिलकर नीचे गिरता है, तो वो लगातार अपनी हाइट बढ़ते समय परिवर्तनशील रहता है। लेकिन उसकी परिवर्तनशीलता इट वर्क्स इन द सेम वे, वह हमेशा एक जैसी रहती है, उसकी परिवर्तनशीलता हमेशा एक जैसी रहती है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं हम कि फाउंटेन लगातार बदलते हुए भी एक ही तरह से काम करता रहता है। इट मीन्स द फाउंटेन्स अपीयरेंस इज चेंजफुल बट इट वर्क्स इन द सेम वे। इसके बाद हमारी एक्सप्रेशन आती है स्टूडेंट्स डार्कनेस और सनशाइन से लेकर के द एलिमेंट तक। तो यहाँ डार्कनेस जो है वो दुखों को रिप्रेजेंट करता है, और सनशाइन जो है, सॉरी सनशाइन नहीं केवल शाइन है, तो आगे लाइन में तो डार्कनेस जो कि एडवर्स सर्कमस्टांसिस को, और जो शाइन और ब्राइटनेस है उसकी पॉजिटिविटी को शो करता है। इसलिए यहाँ पर अर्थ निकल करके आएगा कि द फाउंटेन हैज़ द एबिलिटी टू बियर, द फाउंटेन हैज़ द एबिलिटी टू बियर ऑपोजिट एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसिस, यानी फाउंटेन के अंदर एक ऐसी योग्यता है जो लगातार कवर करती है विरोधी और फेवरेबल सिचुएशंस को। अर्थात फव्वारा विरोधी और जो फेवरेबल सिचुएशंस हैं उनको कवर करने की योग्यता और क्षमता रखता है। इसके बाद आता है ग्लोरियस फाउंटेन। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाई हैज़ द पोएट कॉल्ड द फाउंटेन ग्लोरियस, तो आप लिखेंगे द फाउंटेन हैज़ बीन कॉल्ड ग्लोरियस बिकॉज इट इज़ ग्रैंड। तो ग्रैंड के अंदर स्टूडेंट्स उसकी महानता, उसके सारे गुण आ जाते हैं। टेम, अगर आपसे पूछा जाए कि टेम का क्या मीनिंग है, तो आप लिखेंगे टू कंट्रोल, टेम का मतलब है कंट्रोल करना। आगे कहा गया है नथिंग कैन टेम, उसे कोई भी टेम नहीं कर सकता, उसे कोई भी नहीं बांध सकता, इसका मतलब है फाउंटेन नियंत्रण से बाहर की बात है। तो द फाउंटेन इज अनकंट्रोलेबल। स्टिल, स्टूडेंट ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है स्टिल, तो आप लिखेंगे स्टिल, स्टिल का मतलब होता है इवन, यानी विरोधी सिचुएशन में भी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप स्टिल को यहाँ पर लिखते हैं, क्या वर्किंग पॉजिटिवली इवन इन द एडवर्स सिचुएशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये पॉजिटिवली है, इसका जो एक एस है वो कम होगा, तो यहाँ पर आ गया आपका वर्किंग पॉजिटिवली इवन इन एडवर्स सिचुएशन, यानी विपरीत परिस्थिति में भी लगातार कार्य करते रहना। तो स्टिल का जब आपसे मीनिंग पूछा जाए, तो आप लिखेंगे कॉमा बिगिन स्टिल कॉमा क्लोज मीन्स टू वर्क पॉजिटिवली इवन इन एडवर्स सिचुएशन, और टू वर्क की जगह आप वर्किंग भी लिख सकते हैं, अर्थात विरोधी परिस्थिति में भी अपने संयम को बना करके काम करते रहना। स्टूडेंट्स इस तरह मैं आशा करता हूँ कि जितनी एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन की गई हैं, उनको आपको इंग्लिश में इन वर्ड्स के थ्रू आंसर देकर लिखना है। तो आप इनको सुनते जाएंगे और इनको धीमे धीमे करके आप लिखते भी जाएंगे, और इनको फिर लर्न करेंगे, और जब ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस आपको दी जाएं, तो आप इनको अच्छे से लिख सकते हैं। आप इनको लिखने के लिए इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपके लिए आसान हो जाएगा इनको लिखना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।